हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनएसपी लर्निंग हब, बिकॉज़ लर्निंग इज लाइफ। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमंस में होलो जो एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी कि डाइजेशन में इसमें जो प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन की, वही पांचों प्रोसेस होती है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इनगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगेशन। तो ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम द ऑर्गन्स विच परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ इनगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इगेशन। ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि ये ऐसे सीक्वेंस में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो आपके वन मार्कर क्वेश्चन आएंगे वो आपसे इसी टाइप से सीक्वेंस में पूछ सकता है आपसे। फॉर्म टूगेदर द डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल जो हमारे माउथ से लेके एनस तक की जो कैनाल होती है, जहां पर फूड हमारा पूरा प्रोसेस होती है, ये पांचों प्रोसेस होती है, वो एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। इट्स 8 to 10 meter इन लेंथ। द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इन सीक्वेंस, इसका भी सीक्वेंस आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये भी आपको ब्रैकेट में एक लिख कर दिया है। माउथ, उसके बाद इसोफेगस, इकोफेगस को आपको फूड पाइप भी बोलते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड एनस। एसोसिएटेड ग्लैंड्स, अब ग्लैंड्स का क्या काम है, जो भी हमारा डाइजेशन होता है वो ग्लैंड्स के थ्रू होता है। तो अ पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन द माउथ, लिवर एंड पेनक्रियाज, दीज आर द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम आपका माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक पूरा एलिमेंट्री कैनाल है आपकी। ये आपका माउथ से स्टार्ट होता है जिसको बक्कल कैविटी बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है। इसके दोनों तरफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं माउथ के, जिसमें आपका यहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है फूड का, और वो इसोफेगस यानी कि फूड पाइप से होता है वो स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में 3 hours के लिए आपका फूड चर्न होता है, घूमता रहता है। इसके अलावा स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस होती हैं जो उसका डाइजेशन करते हैं आपका फूड का कुछ पार्ट। उसके बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में आता है, जहां से पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस और लिवर से बाइल जूस आता है, जहां पर आपका पार्शियल डाइजेशन होता है फूड का। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के ही थर्ड पार्ट में यानी इलियम में क्या होता है, आपका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। जो डाइजेस्टेड फूड है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, उस डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है या अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है वो रेक्टम में आकर कलेक्ट हो जाता है और एनस के थ्रू रिमूव किया जाता है। तो आपके ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम में सबसे पहले आपका आता है माउथ। द सलाइवा सीक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स कंटेन एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज, जिसको पहले हम टाइलिन के नाम से जानते थे। तो ये स्टार्च का यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पार्शियली डाइजेशन करता है, जो कि उसमें माल्टोज में चेंज कर देता है स्टार्च को। फिर इसोफेगस से जो होता है आपका फूड माउथ से इसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुंचता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू, जो कि कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन होता है एलिमेंट्री कैनाल का। स्टमक में पहुंचने के बाद फूड चर्न होता है 3 hours के लिए। नाउ फूड बिकम्स अ सेमी सॉलिड पेस्ट, अब वो सेमी सॉलिड पेस्ट बन जाता है, और गैस्ट्रिक जूस में जो स्टमक में होता है उसमें 3 सब्सटेंसेस होते हैं, HCl टू गेट द मीडियम एसिडिक एंड किल जर्म्स, जो फूड के साथ हमारे जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं उनको किल करता है ये HCl, और जो हमारा जो फूड है उसके मीडियम को एसिडिक बनाता है, क्योंकि जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है। और पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट करता है, ये प्रोटीन को प्रोटीओज और पेप्टोन में तोड़ देता है, जो कि स्मॉलर सब्सटेंसेस होते हैं। यहाँ पे प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन हो रहा है। इसके बाद म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमक को फ्रॉम इट्स ओन HCl, क्योंकि HCl इसमें होता है और HCl हमें पता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो म्यूकस हमारे स्टमक के इनर वॉल को प्रोटेक्ट करता है HCl से। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस और लिवर से बाइल जूस भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में मिलते हैं, जिसको ड्यूडेनम बोला जाता है। तो लार्जेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि 6.5 meters का होता है। पूछा जाता है आपसे इसकी लेंथ, एलिमेंट्री कैनाल को स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ पूछी जाती है। द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है फूड का ह्यूमंस में,
इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं। तो इट हैज थ्री पार्ट्स, ड्यूडेनम, जुजेनम एंड इलियम। इलियम में कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि ड्यूडेनम में कंप्लीट डाइजेशन होता है। लीवर, इट सीक्रेट बाइल जूस विच इज एल्कलाइन। एल्कलाइन नेचर का होता है, हमने देखा था कि हमारा जो स्टमक वो से एसिडिक मीडियम आ रहा है एससीएल से, तो अब उसका मीडियम को हमें बेसिक करने के लिए यानी एल्कलाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बाइल जूस। क्योंकि जितने भी आपके पैनक्रेटिक जूस होते हैं वो आपके एल्कलाइन मीडियम में वर्क करते हैं। इट मेक्स द मीडियम एल्कलाइन, इट ब्रेक द फैट्स इंटू द स्मॉल ग्लोब्यूल्स। जब फैट के ब्रेक डाउन की प्रोसेस होती है उसको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ द फैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। फैट इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल जूस इमल्सिफाई हो जाता है स्मॉल ग्लोब्यूल्स में फैट के, और यहाँ पर फैट का पार्शियल डाइजेशन हो रहा है। पैनक्रियास सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस जिसमें तीन तरह के एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। फंक्शंस ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन करता है पेप्टाइड्स में, एमाइलेज माल्टोज का कंप्लीट डाइजेशन करता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में, जबकि लाइपेज फैट का कंप्लीट डाइजेशन करता है फैटी एसिड्स और फैटी एसिड्स में। हमने पार्शियल डाइजेशन कहाँ पढ़ा था, प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन पढ़ा था हमने स्टमक में पेप्सिन के थ्रू, स्टार्च का पार्शियल डाइजेशन पढ़ा था माउथ में बकल कैविटी में स्लाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू, और जबकि फैट का पार्शियल डाइजेशन हुआ था आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही बाइल जूस के थ्रू। तो आपका ये दो ये तीन कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में ड्यूडेनम में। नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड इलियम। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू द ब्लड इन दिस पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। एसिमिलेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड, ट्रांसपोर्टेड डाइजेस्टेड फूड बाय ब्लड इज यूज बाय द बॉडी सेल्स फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। लार्ज इंटेस्टाइन, इट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। रेक्टम, इट कलेक्ट अनडाइजेस्टेड फूड फॉर सम टाइम। एनस, एक्सपल्शन ऑफ द फीकल मैटर बाय द प्रोसेस ऑफ इगेशन टेक प्लेस। सो इट दिस इज द कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।